कमलनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का गठन आज हो रहा है। इसमें कुल 28 मंत्री बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 22 पहली बार मंत्री बनेंगे। अब यह भी प्रश्न उठ रहा है कि ये जो 22 मंत्री पहली बार मंत्री बनाए जा रहे हैं, क्या ये कमलनाथ की और खासकर कांग्रेस की नैया पार लगा सकेंगे? कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि कमलनाथ की इस पूरे मंत्रिमंडल की बड़ी संख्या ऐसे मंत्रियों की है जो अनुभवहीन है, जिन्हें पहले कभी भी मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। कमलनाथ के मंत्रिमंडल में डॉक्टर गोविंद सिंह, आरिफ अकील, सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, विजय लक्ष्मी साधो और हुकम सिंह कराड़ा, ये ही पहले मंत्री रह चुके हैं, इन्हें दोबारा शामिल किया जा रहा है। लेकिन आइए जानते हैं उन विधायकों के बारे में जिन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है लेकिन वे अनुभवहीन हैं। उनमें हैं तरुण भनोट, लखन घनघोरिया, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, लखन सिंह यादव, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ओम प्रकाश मरकाम, सुखदेव पानसे, प्रभुराम चौधरी, जयवर्धन सिंह, हर्ष यादव, कमलेश्वर पटेल, सचिन यादव, पीसी शर्मा, सुरेंद्र सिंह बघेल, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, प्रद्युम्न सिंह, प्रदीप जायसवाल, महेंद्र सिसोदिया, इमरती देवी और प्रियव्रत सिंह। अब सवाल इस बात का है कि क्या नए मंत्रियों के कारण या अनुभवहीन मंत्रियों के कारण कांग्रेस की नैया पार लग सकेगी? क्या ये सभी मंत्री अपना परफॉर्मेंस पूरी तरह से दिखा पाएंगे? यह एक बहुत बड़ी चुनौती कमलनाथ सरकार के सामने है।